नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस वक्त देश भर में चर्चा का सबसे अहम मुद्दा सिर्फ बीपर जॉय तूफान ही बना हुआ है। देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, तीनों सेना के प्रमुख, NDRF, SDRF, गुजरात के मुख्यमंत्री, आपदा प्रबंधन से जुड़ा हर कर्मचारी और मौसम विभाग, सबकी नजर इस वक्त सिर्फ बीपर जॉय तूफान पर लगी हुई है। देश में कई दशकों तक तूफान की तबाही पहले देख चुके लोगों के मन में सवाल है कि क्या गुजरात के तट से टकराने वाला तूफान कल तबाही मचाएगा। मौसम विभाग लगातार इस साइक्लोन को लेकर अलग अलग वक्त में बुलेटिन जारी कर रहा है। ऐसे में जान लेते हैं कि यह अब तक कहां पहुंचा है। दोपहर 2:30 बजे तक के साइक्लोन नेशनल बुलेटिन के मुताबिक तूफान स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे ही थी। लैंडफॉल यानी जहां पर गुजरात में तूफान को टकराना है उस जखाऊ पोर्ट से 260 किलोमीटर दूर है। अगर औसत अब भी यही स्पीड माने तो पिछले 7 घंटे में आशंका है कि तूफान बुधवार रात के 10 बजे तक लैंडफॉल की जगह से करीब 220 से 230 किलोमीटर दूर होगा। गुरुवार शाम तक बताया जा रहा है कि यह तूफान गुजरात में मांडवी, जुखाऊ पोर्ट और आगे कराची तक जाएगा। दावा है कि जब गुजरात के तटों से तूफान गुजरेगा और टकराएगा तब वेग 125 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक का होगा। एहतियात के तौर पर गुजरात के द्वारका में आकाशवाणी के उस टावर को खुद ही गिरा दिया गया है, जिससे आशंका है कि अगर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं चली तो यह टावर गिरना तय है। अगर तूफान की वजह से टावर गिरता है तो नुकसान ज्यादा होगा, इसलिए पहले ही टावर को नीचे गिरा दिया गया है। गुजरात के खेड़ा में ढोल बजाकर कहा जा रहा है कि इस आगामी तूफान से पहले कहीं ढोल बजाकर गुजरात के तटों के पास लोगों को सावधान रहने के लिए अलर्ट किया जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगले 2 दिन घर से मत निकलिएगा, क्योंकि 12 दिन पहले यहां आई आंधी में 170 से ज्यादा घरों के छत उड़ गए थे। इस बार पहले भी ढोल बजाकर गांव वालों को अलर्ट करने में प्रशासन जुटा हुआ है।